आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और खट्टा मीठा टेस्ट वाला एप्पल बर्फी। ये बहुत ही हेल्दी भी है और हम इसे बनाने वाले हैं एक बहुत ही झटपट और आसान तरीके से। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। एप्पल बर्फी बनाने के लिए हमें बहुत ही फ्रेश और जूसी एप्पल लेने हैं। मैंने यहाँ पर 3 एप्पल्स लिए हुए हैं और हमें लेना है 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून किशमिश और 2 टेबलस्पून पिस्ता। आप अपने पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट्स को कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और हमें लेना है 1 कप ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट, यानी ताज़े नारियल को कद्दूकस कर लेना है 1 कप, और 1 कप शक्कर यानी चीनी। आप शक्कर के बदले में 1 कप गुड़ को बारीक काट कर या कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, जिससे ये बर्फी और भी हेल्दी बन जाएगा। और हमें लेना है 3 टेबलस्पून देसी घी। अब बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एप्पल्स को अच्छे से पानी में धो लेना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर का छिलका जो है उसे हम पील ऑफ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से हमें पीलर की सहायता से पील ऑफ कर लेना है। एप्पल के छिलके को छीलने के बाद इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इस तरह से एप्पल को कद्दूकस कर लेने के बाद उससे तुरंत ही आप एप्पल बर्फी बना लेना, क्योंकि अगर इसी तरह से आप थोड़ा ज़्यादा देर तक रखेंगे तो हवा के संपर्क में आते ही ये कद्दूकस किया हुआ एप्पल जो है वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर में बदल सकता है। और अब हम एक पैन को लो फ्लेम पर गरम करेंगे और उसमें 1 चम्मच घी डालकर उसे मेल्ट होने देंगे। फिर उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची होने तक रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। एक 2 मिनट तक रोस्ट होने के बाद ये थोड़ा सा क्रिस्पी और रेडिश ब्राउन हो जाएंगे। तब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद हम थिन स्लाइसिस में उसे काट भी लेंगे। और अब हम एक थिक बॉटम कढ़ाई को लो फ्लेम पर गरम होने देंगे। फिर उसमें 1 से 2 चम्मच घी डालकर उसे मेल्ट होने देंगे। फिर उसके बाद हम उसमें फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। उसी के साथ हम 1 कप चीनी भी ऐड करेंगे। फिर दोनों को हल्का सा मिक्स होने के बाद उसी में हम ग्रेटेड एप्पल भी ऐड करेंगे। और अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से लगातार कंटिन्यूसली हम चलाते हुए उसे थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी होने तक लो फ्लेम पर मिक्स करते रहेंगे। 1 मिनट में ही सारा शुगर इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो ये मिक्सचर थोड़ा सा आपको पतला दिखाई देगा। फिर बाद में 1 से 2 मिनट तक लगातार मिक्स होने के बाद इस तरह से आपको एक डो जैसा फॉर्म हुआ नज़र आएगा। और इस तरह से रेडी होने के बाद हम इसमें सारा ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और फिर से और 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर। सो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्ट कंसिस्टेंसी इस बर्फी के लिए। अब हम इसे ग्रीस ट्रे में या ग्रीस प्लेट में निकाल लेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक ट्रे को या फिर एक प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है। इस तरह से ग्रीस करने से बर्फी जो है वो चिपकेगा भी नहीं और अच्छे से सेट भी हो जाएगा। अब हम इसमें इस मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह से मिक्सचर को स्प्रेड करने के बाद आप ऊपर से और थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। और इस मिक्सचर को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर तक आने के बाद हम रेफ्रिजरेटर में 4 घंटों तक सेट होने के लिए रख देंगे, जिससे हम बर्फी को एकदम आसानी से और बहुत ही बढ़िया काट सकते हैं। 4 घंटों के बाद आप देख सकते हैं ये बर्फी का मिक्सचर कितना अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे आराम से एक चाकू से मनचाहा शेप्स में कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बनकर रेडी है बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और खट्टा मीठा टेस्ट वाला एप्पल बर्फी।
आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और आपके एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर कीजिए। आप इस एप्पल बर्फी को फ्रिज में 5 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, बस सिर्फ सर्व करने से पहले बाहर निकाल कर थोड़ा पर रूम टेम्परेचर पर आने देना है, फिर सर्व करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी।